हमारे जनजीवन में भौतिक विज्ञान से हटकर कहीं दूर एक और दुनिया है, अलौकिक और परालौकिक रहस्य विज्ञान की दुनिया। अगर साधारण और संक्षिप्त शब्दों में इस रहस्य विज्ञान की मीमांसा करें तो हम कह सकते हैं कि हम सब कठपुतलियां हैं उस इस भौतिक जगत में, मगर हमारे प्रारब्ध, हमारे भाग्य के धागे उस अलौकिक दुनिया में स्थित ग्रह नक्षत्रों के हाथ में होते हैं। ज्योतिष विज्ञान और गुह्य तंत्र की विद्या के माध्यम से हम अपने कर्म के बूते पर अपने भाग्य के सितारों का पता लगा सकते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार भाग्य को बदल भी सकते हैं। ये भूमिका हमें क्यों बाधनी पड़ रही है? क्योंकि हमारे ग्रुप को सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य के आशीर्वचनों का। आर्थ प्रकाश मीडिया ग्रुप को ये गौरव प्राप्त हुआ है रहस्य विज्ञान के एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य पी खुराना के आशीर्वचन पाने का। हम उनके कृतज्ञ हैं और उनके ऋणी रहेंगे। इससे पूर्व के वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, मंत्र, यंत्र और गुह्य तंत्र के प्रख्यात सिद्धहस्त आचार्य पी खुराना से सीधे आपको रूबरू कराएं, हमें हर्ष है उनको एक विशेष मुबारकबाद देने का। उनके पुत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना को एक गौरव प्राप्त हुआ है अमेरिका की टाइम्स मैगजीन की वजह से। इस मैगजीन में विश्व की 100 महान प्रभावशाली हस्तियों की जो सूची निकली है उनमें बॉलीवुड से केवल मात्र एक नाम शामिल हुआ है और उस हस्ती का नाम है आयुष्मान खुराना, यानी के आचार्य श्री पी खुराना के सुपुत्र। तो चलिए एक बार फिर खुराना बंधुओं को, खुराना परिवार को बधाई देते हुए हम आपको सीधे लिए चलते हैं और रूबरू कराते हैं आचार्य श्री पी खुराना जी से। नमस्कार जी, मैं हूं आचार्य पी खुराना और मैं सभी को सबसे पहले नमस्कार करता हूं। सबसे बड़ी बात मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि मैं जो अर्थ प्रकाश समाचार पत्र है, ये जो मीडिया ग्रुप है, इनके साथ टीवी भी है और इसके साथ डिजिटल टीवी भी है, इन लोगों के साथ मैं बड़े सालों से जुड़ा हुआ हूं। जब से ये पेपर का निर्माण हुआ है या डिजिटल टीवी का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं श्री महावीर जैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ हम कौशल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक कामना करता हूँ अपने शुभ हाथों से कि आप इस समाचार पत्र के साथ, इस डिजिटल मीडिया के साथ हमेशा जुड़े रहिए और मैं अपनी शुभकामनाएं इन सबको देता हूँ। नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर प्राणी मानसिक शांति चाहता है और सफलता पाना चाहता है जीवन के हर पहलू में। आप सभी दर्शकों और श्रोताओं को इसी जिज्ञासा को शांत करने और इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम टैरो कार्ड, यंत्र मंत्र, भविष्य फल और ज्योतिष को लेकर एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, भावीवाणी। ज्योतिष जगत के विख्यात आचार्य पी खुराना की शिष्या सुश्री शिल्पा डीधर ज्योतिष विद्या के भिन्न विषयों पर हर रविवार मुंबई से यह कार्यक्रम अर्थ प्रकाश मीडिया ग्रुप के लिए विशेष रूप से देने जा रही हैं। इस कार्यक्रम के बारे में कृपया अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें व बेल का बटन दबाएं और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से आप सब लोगों के फेवरेट चैनल पे। मैं हूँ शिल्पा डीधर और
हमेशा की तरह आज हम बात करने जा रहे हैं एक और टॉपिक के ऊपर, और ये टॉपिक है उन तमाम पेरेंट्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अपने बच्चों से है बेहद दुखी। और क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनके बच्चों को डर लगता है, कभी रात में नींद से उठ जाते हैं, कभी दिन में अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डर एक ऐसी चीज़ है, मन का भय एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के अंदर होता है। अगर आप अपनी बात करें तो क्या पता आप भी कॉकरोच या किचन में छिपकली से डरते होंगे। तो डर का जो इलाज है वो है, बट इलाज को समझने से पहले ये ज़रूरी है हमारा समझना कि डर कुंडली में, आपके बच्चों के मन में अगर डर है तो आप अपनी कुंडली देखिए, बच्चों की कुंडली बाद में देखिएगा। जाके सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली खोलिए। पांचवा घर जो है वो बच्चों का प्रतीक होता है, और पांचवे घर में अगर शुक्र बैठा हुआ है, अगर एक ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो डेबिलिटेटेड है, तो आप जो हैं आपके बच्चों को अक्सर डर लग सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, उनके अंदर आत्मविश्वास की जो कमी है उसे पूरा करना है। तो उसके लिए हम टैरो के पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं तो मेजर अकार्ना का स्ट्रेंथ का कार्ड मैं आपको बता दूं, स्ट्रेंथ का कार्ड जो है 8th कार्ड मेजर अकार्ना का टैरो में होता है, और इस कार्ड को बकायदा एनर्जाइज करके हम प्रोवाइड करते हैं। कार्ड के रूप में नहीं, एक ब्यूटीफुल पेंटिंग के रूप में आपने अपने बच्चे के बेडरूम में इसे रख देना है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और आप इसे ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो जहाँ पे आपके बच्चे का स्टडी रूम है, जहाँ पे आपका बच्चा बैठता है, गेम्स खेलता है, उसकी उम्र पे निर्भर करता है, वहाँ पे आप इस पेंटिंग को दीवार पे सजा के रख सकते हैं। और आप अपने बच्चे से कह सकते हैं कि वो इस पेंटिंग को देख के रात में सोए, सुबह उठे और इस पेंटिंग को देखे। तो एक अजीब सी स्ट्रेंथ और एक यूनिवर्सल लाइट, एक यूनिवर्स की जो लाइट है, यूनिवर्स की जो रोशनी होती है, वो आपके क्राउन चक्र से और आपके बच्चे के क्राउन चक्र से आपके अंदर वो ऊर्जाएं जो हैं जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने वास्तु की बात भी कर ली, एस्ट्रोलॉजी की बात भी कर ली, टैरो की बात भी कर ली, अब हम आते हैं नंबर्स पे, न्यूमरोलॉजी पे। और नंबर्स की दुनिया में 1, 10 और 19 ये तीन ऐसे अंक हैं जिन डेट्स पे आप इस पेंटिंग की स्थापना जो है अपने बच्चे के बेडरूम में कर सकते हैं। और ये उपाय ना सिर्फ आपके बच्चों के लिए है बल्कि आपके लिए भी है, क्योंकि कई बड़े लोग भी एक उम्र में आके, उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे आके भी डरने लग जाते हैं। 60 साल के उम्र में, 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में भी उन्हें डर लगता है, और डर किसी भी चीज़ का हो सकता है। कोई हैल्यूसिनेट करता है, कोई किसी चीज़ को लेकर डरता है, जैसे कि मैंने कहा उदाहरण के रूप में चिपकली से डरता है, कॉकरोच से डरता है, या मन के जो भय होते हैं भविष्य को लेकर। भय का जो इलाज है वो एक ही है, स्ट्रेंथ का कार्ड जो पेंटिंग के रूप में मैंने आपको बता दिया कहाँ लगाना है। अपने बेडरूम में भी आप इसे लगा सकते हैं, या बड़े बुजुर्ग के बेडरूम में भी लगा सकते हैं, अगर वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनके मन में किसी चीज़ का फेयर है, डर है, तो उनके बेडरूम में भी आपने ये ईस्ट डायरेक्शन में लगा देना है। और आप मंदिर में भी रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर ईस्ट डायरेक्शन में ही होता है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, बट मैं दोबारा आऊँगी और अलग अलग टॉपिक्स लेके आऊँगी। और अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ, तो प्लीज़ 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 कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए, क्योंकि आपके कॉमेंट्स के थ्रू ही मुझे पता चलेगा कि ऐसे कौन से विषय हैं जिस पे आप चाहते हैं मैं टॉपिक बनाऊँ और आपके सामने वीडियो बना के लाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, आपके एक शेयर से बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।